अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये प्लिंथ बीम और जो फाउंडेशन ब्रिक फाउंडेशन है वो किस तरह तैयार होती है और नीचे से इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ ब्रीफ करूंगा, वीडियो को कंप्लीट देख। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लिंथ बीम क्या होता है। जब हमारी फाउंडेशन जो है फिनिशिंग फ्लोर लेवल तक तैयार हो जाती है, फर्श के टॉप लेवल तक, मींस के अगर ये 9 इंच का प्लिंथ बीम है तो हमारा जो फर्श का लेवल है उससे 9 इंच नीचे तक जब हमारी फाउंडेशन तैयार हो जाती है तो हम वहाँ पे प्लिंथ बीम डालते हैं। प्लिंथ बीम के लिए ये सबसे पहले हम उस फाउंडेशन के ऊपर स्टील का हम डालते हैं, बीम बांधते हैं, जो मोस्टली 4 सूत्र के 4 सरिये होते हैं इसमें और 3 सूत्र के 6 इंच स्पेसिंग पे रिंग बांधे जाते हैं इस पे। ये देख सकते हैं आप इस तरह। और इसके अब इसके इर्द गिर्द ये फट्टे लगा के अगर ये 9 इंच का बीम है तो उसमें ये कंक्रीट भर देंगे तो ये हमारा जो सब स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सब स्ट्रक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम जो सुपर स्ट्रक्चर के लिए उसके ऊपर हम वॉल खड़ी करके ऊपर फिर छत डाल देते हैं। तो ये जो प्लिंथ बीम है यहाँ तक हमारा फाउंडेशन का काम मुकम्मल हो जाता है और ये जो कॉलम है ये सुपर स्ट्रक्चर के कॉलमों के साथ इसका ओवरलैप बांध के हम ओवरलैप के लिए स्टील छोड़ा हुआ है, जो ऊपर वाले कॉलम होंगे सुपर स्ट्रक्चर वाले। ये जनाब प्लिंथ बीम होता है और ये ओवरलैप किया हुआ है इन्होंने इसको यहाँ पे इसका जॉइंट आ रहा है। ये देखें और ये इसकी बाहर की बाउंड्री वॉल है, इसमें भी इन्होंने प्लिंथ बीम डाला हुआ कंप्लीट। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।